थैंक यू। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव में इन वादियों को एक्सप्लोर करने अपने कजिन्स के साथ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। मेरे सिस्टर के ब्लॉग को जल्दी सब्सक्राइब करो और उन्हें सामान लेके आ गया जो हमें लगने वाला है। कुकिंग भी करने वाले हैं हम लोग। बोलती है यहाँ से पाइप लगाएंगी अपने घर के लिए। लोगों की थकान अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। अभी हमें थोड़े से हुआ है, कितना थोड़ा सा ही चल के आए हैं। इधर ऊपर अभी तो बहुत ऊपर जाना है। घर भी है यार यहाँ ऊपर, देखना यहाँ पे घर। पेड़ देखो कैसे टेढ़े टेढ़े ना। एक बॉटल तो बनाई होगी 30 रुपीज की। चलो चलो यार, और ज्यादा पसीना आ रहा है। कुदरत का करिश्मा, एक पेड़ कट चुका है या फिर टूटा है, उसके ऊपर एक और बन गया। ये लोग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे हैं। पानी लाया था, मुझे नहीं लगता ऊपर तक पहुंचेगा, हमने यहीं पे पीना शुरू कर दिया है। मुझे भी लगता है ऊपर है। वो पीछे पता कैसा लग रहा है, हॉरर मूवी वाला सीन लग रहा है, ऐसे धुंधले से शूट करते हैं। शूट करते हैं। सपोज सनिया एक मेन कैरेक्टर है। आप पेड़ों की कैनोपी देखो कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे ये रास्ता रहा और यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन, और ये लोग आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? ग्राउंड में बैठे यार, और ना बोल रही, मैं ऊपर बता रही हूँ। रोड भी है यहाँ पे। कोई निकाले, कैसे निकालते? क्या तोड़ते हैं भाई इसमें? क्या देखिए, फॉरेनर लोग से इनको बताना पड़ता है ऐसे तोड़ते हैं। जैसे भी तोड़ो, बस तोड़ो। हमें इतना सा चलने में बहुत ही ज्यादा मौत आती है, और हम सोचते हैं ट्रैवलिंग करेंगे, सोलो ट्रैवलिंग करेंगे और ट्रैकिंग करेंगे। इतना सनी चढ़ा जा रहा है तो सुंदर, बट अभी गर्मी लग रही फिलहाल। ऊपर जाके देखते हैं, क्योंकि फैक्ट से बताने चाहिए। अभी अभी हवा भी नहीं लग रही ठंडी वाली हमें। ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर नहीं मतलब यहाँ ऊपर। ये क्या हो रहा है? गर्मी हुआ, हवा चल रही है अच्छी, और भी लोग हैं। दो अच्छे शब्द बोलना चाहेंगे, थैंक यू सो मच सिस्टर पानी लाने के लिए। ये हमारी डेस्टिनेशन है, बट और भी डेस्टिनेशन वहाँ पे बैठना, बट वहाँ पे कोई और भी पिकनिक। हाउ रूड। यहाँ पे इनको चूल्हा बना हुआ मिला है, सबसे बड़ी बात, बड़ी बात। लेकिन दुविधा ये है कि लकड़ियाँ हम कहाँ से इकट्ठी करेंगे, कहाँ पे है दिखाना। आए हाय, इसको गिरना है। वो आगे है, स्लिपरी एरिया है वो, अगर सो यहाँ पे सेफ है। तो कुकिंग सबसे पहले होगी। मैं अभी 10 मिनट रेस्ट करूंगी। हाँ कोई नहीं, रेस्ट कर लो प्लीज। बर्तन डिस्पोजल है, धोने का कोई सीन नहीं है। जो भी सफाई था, सफाई करके जाएंगे हम यहाँ पे, और आग भी बुझा के जाएंगे क्योंकि जंगल में आग लगी। मेरे पास सुनो, तुम दोनों ध्यान रखो, हम जाते लकड़ी लेके आते। लकड़ी लेके आगे करती छोटी जगह से। कितनी मिली आपको लकड़ियाँ, प्लीज दिखाई? इतनी छोटी छोटी, फिर मैगी बनानी, इतना काफी है। पर हमने वो बनानी है फ्राई कर। फ्राई वाले ने प्लान कैंसिल कर दिया। नहीं नहीं, क्यों है ही नहीं कुछ? टमाटर लाए इसकी वजह से। उन्होंने लाए टमाटर, पूछना इससे। टमाटर लाए, सिर्फ टमाटर लाए, इससे तेल भी जाए। ऑयल के बिना टमाटर, ऑयल के बिना टमाटर यार उन्होंने किया है। इसलिए मैगी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेसिपी आप ले लीजिएगा इनसे। प्रो मैक्स। ये देखिए, अब कचरा अपने अवतार ही फिट कर रहे हैं। यहाँ पे आग ही नहीं जल रही है। ओए तुम दोनों क्या कर रहे हो? चल बैठ जाओ। ये ऑडियंस है। यस, पता है क्या हो रहा है? हवा बढ़ रही है, जैसे आग जलानी हो फिर वैसे हवा। बाल मत जलानी हो प्लीज। ऐसे हम इकट्ठे हुए चूल्हे के इर्द गिर्द, ताकि हवा ना कम भी हो। हैक होते हैं हमारे। कितने अच्छे हैं, कितने पैकेट भी इसमें डाल रहे हैं। मसाले में डायरेक्ट बोलते हैं कि पैकेट खुद ही जलेगा और खुलेगा। ओए तूने कड़छी लाई है? नहीं लाई। ये भाई साहब लाई कड़छी की बनती, टेस्ट खराब नहीं होता इससे। ओए यार, स्मोकी मैगी पहाड़ों में, जस्ट इमेजिन। आपको मौसम भी खराब हो रहा है, हमारी किस्मत ही नहीं।
देखो यार, मतलब जब आप आते हो ना बेयर ग्रिल्स के साथ, फिर ऐसी कुकिंग करनी पड़ती है। टमाटर मिर्ची सब मिक्स कर दो, फिर एंड में मसाला भी है, ज्यादा मत डाल देना नमक वगैरह। आवाज देखो यार, शाम हो रही है, वाह। तरह से ही एक्सपर्ट है हमारे, बिल्कुल एडवेंचरस काम करने वाले लोग। मतलब कढ़ाई लाई हुई यार, ये भाई जान का काम है। सब सामान निकाल दे तू, मैगी तो फिर तूने मैगी क्यों नहीं निकाली? मैगी भी निकाल देनी थी। और उन्होंने अपने लिए मैगी के लिए चॉपस्टिक बनाई है गाइस, पॉइजनस ना हो। नहीं है आई हो तो चलेगा, नहीं है इसको निकालने आएगी कि नहीं पता नहीं। ओ ओ ओ सक्सेसफुली दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक खोली है इन्होंने, मतलब मैगी के लिए थोड़ी कोल्ड ड्रिंक सर्व की है पहले। मैगी का भी कबाड़ा कर दिया इसको, मैगी में टेस्ट खराब कर दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी और शायद डेढ़ मेरा खा लूँ। मैगी नहीं है ये खाने वाले हैं कढ़ाई में ही, तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मैगी थोड़ी स्टिक हो गई उसमें। यार गर्म है यार, जा खा ले इनके साथ, ज्वाइन करूँ ज्वाइन दे। कढ़ाई में खाने के लिए लड़ाई हो रही है अब इनकी, कढ़ाई में खाने से ऐसे हमारे यहाँ बोला जाता है, कढ़ाई में खाने के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी जो कढ़ाई में खाएगा उसकी शादी में बहुत ज्यादा बारिश होगी, मैं शादी में नहीं जाने वाली हूँ। तेरी बारिश में शादी, तेरी बारिश में शादी, तेरी शादी में बारिश हुई ना, नहीं आना है उन्हें। नहीं मैं खा लो खा लो खा लो, वाह प्रोफेशनल। वैसे खाओ ना जैसे वो नहीं होता है चैनल लेके आया उनका साउथ इंडियंस का, ये वो जोर चीख चीख के फिर बनाते हैं फिर खाते पहाड़ों में। दाल नहीं, वो स्मोकी फ्लेवर ये सब मतलब ऐसे खा रहे अपने मतलब मजे से, लेकिन बीच में एक लड़का चाइनीज है इनके। किसको ऐसी निकली, बोला था ना शांत रहो। चॉपस्टिक से खिलाना मेरे को, देसी चॉपस्टिक, देसी चॉपस्टिक, दो अपनी उंगलियां कोल्ड ड्रिंक में गिरा दिया मैंने। अब देखने वाले काम है लिटरली, लोग दाल दाल ही खाना खा रहे हैं। दाल में क्यों टेस्ट आता है हम लोग को मिले ये फायदा होता है नहीं बोलने का, नहीं खाने के बाद में सब लोग खिला गए। हां दाल कहेंगे क्यों खिला, क्या होता दाल बिना मजाक के, बहुत टेस्टी बनी है। हमने तो कुछ डाला भी नहीं, हमने कुछ डाला भी नहीं, मजाक के बहुत करते हैं। इतना कुछ डाल के बोलते हैं, हमने तो कुछ डाला ही नहीं। क्या डाला था? टमाटर भी डाल दिया, जो मैगी होती है वो भी डाल दी। टमाटर वैसे ही है वो फ्रांस है, विदाउट ऑयल विदाउट तड़का, बहुत टेस्टी है। ग्रीन चिल्ली का फ्लेवर आ रहा है ना, ऐसे एक टाइप का चिल्ली नहीं लग रही बट ऐसा फ्लेवर। खाना हो गया और वो अभी तक बहुत स्लो खाना खा रहा है। ये जिसमें चॉपस्टिक वाले भैया हैं, क्या कर सकते हैं चाइनीज भैया। यहाँ पे हमारे प्लेट्स वगैरह जल रहे हैं, जंगल में हो रहा है अंधेरा। अब हम चले घर वापस, हो गए एंजॉय, थोड़ी सी वीडियोस बनाई हैं और फोटोज भी खींचे हैं, देखते हैं कितने अपलोड होंगे और कितने नहीं। सब ले लिए मत यार, ये जो तूने पहना है इसमें ज्यादा खतरा है ना यार। चलो बहन जी, सब बाल छाल बाल नहीं वो हमारी बहने मतलब ऐसे गायब हुई है फिर, उनको पता है कि अगर एक बार हम रुक गए तो इन्होंने हमें क्या करना है, वीडियो बनाने में लगा लेंगे। कसरोड भी ली है, इकट्ठी कर ली है और ये कुछ बहनें हमारी आगे निकल गई हैं काफी पहले ही हमारे गांव के। यहाँ पे मतलब आटा वगैरह लेना, जिसने बना घराट नहीं ऐसा मशीन है, यहाँ पे आटा लेने यहीं पे आते हैं लोग। हम वहाँ पीछे गए थे और अभी वापस आ गए। इसमें क्या डाला है?
इसमें क्या क्या डाला है शेफ, प्लीज बताएं चटनी। ये चटनी बनाई है आरती दीदी, ये सब्जी है दाल राजमा की। ओह माय गॉड, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दें, प्लीज कमेंट कर दें, एंड टिल देन सारा बाबा टेक केयर।